एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के आदेश के बाद हरकत में आई चंपावत पुलिस ने जिले में दो पहिया वाहन चला रहे नाबालिगों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। मालूम हो नाबालिग दोपहिया वाहन चालकों ने जिले में कई दुर्घटना कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है तथा कुछ लोगों की दुर्घटना में जान भी चली गई। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि नाबालिग वाहन चालकों की लगातार करी जा रही दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने यह अभियान चलाया है, जिसमें वाहन चला रहे नाबालिगों के साथ साथ उनके अभिभावकों को थाने में बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा भविष्य में नाबालिगों को दोपहिया वाहन न देने की हिदायत देने के साथ साथ भविष्य में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अभिभावकों को दी जा रही है कड़ी चेतावनी और पकड़े जाने पर उनके अभिभावक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 25,000 का चालान काटा जाएगा। ये हमारे डीजीपी महोदय का भी एक निर्देश था, डायरेक्शन भी था और साथ में ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि जो ये नाबालिग बच्चे जो वाहन चला रहे हैं, विशेषकर स्कूलों में आते हैं या ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए लगातार भी थानों में और ध्यान चला रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पेज में तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को समझाएं और उनको जो गाड़ी रोक के उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग करवाते हैं कि बच्चों को वो वाहन ना दे, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है और वो लीगली उचित भी नहीं है। और फर्स्ट पेज में हम यही कर रहे हैं। अगर सेकंड फेज में, अगर फर्स्ट पेज में इसमें सुधार नहीं आता तो सेकंड पेज में उस गाड़ियों को सीज करना या चालान करने की कार्रवाई हम शुरू